मुझे जो भी हिस्सा देना है वो दीजिए ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूं। कहा गया कि आपने मुझे जो भी हिस्सा देना है वो दीजिए ताकि मैं बाबा के खिलाफ कोर्ट में तो नहीं जा सकता। तुम दोनों मिलकर बाबा को कुछ भी नहीं सुनना और ना ही कोई बात करनी मुझे आपसे। वक्त आ गया मिलकर बाबा को थ्रेट कर सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अलीजा और शाजी की झगड़े की वजह से जुहेब और असद में काफी दूरियां बढ़ चुकी है। वो एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रोहेल और नरगिस सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं शांजे को। शांजे का रवैया काफी बदल चुका है। नरगिस शांजे सरमत को फोन गिफ्ट करती है। शांजे सरमत को पसंद करने लगी है लेकिन रोहेल शांजे को पसंद करता है। असद वकार से कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए ताकि मैं अपना अलग से काम शुरू कर सकूं। अलीजा असद से कहती है कि दोनों भाई मिलकर वकार अंकल को थ्रेट करके प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हो। असद जुहेब से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जुहेब उसको साफ मना कर देता है। वकार का अंदाजा हो गया है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है। क्या वकार असद को बिजनेस में शेयर देगा या फिर उसे मना कर देगा? बिजनेस ऑलरेडी घाटे में है। वकार असद और जुहेब के लिए क्या फैसला करेगा ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ऑल।